हिंदू मंदिर की ओर से जो सहयोग मिला है इस कार्य में, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बारंबार वंदन करती हूँ जो हर रोज हमारी इस सेवा में अपना हाथ बटाते हैं, हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस करने देते। हम हिंदू मंदिर के सभी कार्यकर्ता सेवकगण का तहे दिल से आभार दर्शन करते हैं। कथा के पांचवें दिन में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं और आज कथा में विशेष विषय रहता है प्रभु शिव और पार्वती के विवाह का। हम लोग बड़े सुंदर धूमधाम से रास गरबा के साथ प्रभु शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाएंगे। जो भाई बहन आस्था के माध्यम से अभी ये कथा सुन रहे हैं, तो मैं निमंत्रित करती हूँ विवाह में सम्मिलित होने के लिए और साथ में हम इकट्ठा प्रभु विवाह का प्रसंग मनाएं। आप सबको पता है कि आस्था के माध्यम से देख करके हम सबको घर में भी नृत्य करने का मन हो जाता है, तो क्यों ना यहाँ आकर के हमारे साथ जुड़े हम इकट्ठा मिल करके प्रभु के विवाह का प्रसंग मनाएंगे। जिस नेक कार्य को लेकर के इस माँ देवी भागवत जी का जो आयोजन हुआ है और हमारा अहोभाग्य है कि पूज्य देवी हेमलता जी की सर्वप्रथम विदेश यात्रा एवं विदेश कथा यहाँ पर हुई है और हम सब भाग्यवान है कि हमें ये सुनने का मौका मिला है। जो वाणी मैं टीवी के माध्यम से सुनती थी, हम बड़े उतावले थे कि कब हम देवी जी के श्रीमुख से खुद ये वाणी सुने, और क्योंकि कथा तो शास्त्र के अनुसार ही हम सब सुनते हैं, लेकिन ये खास विशेष कथा इसलिए है कि मातृशक्ति के कथा के साथ साथ हम सब में हिंदुत्व की भावना, एक होने की भावना, माँ भारती के लिए ज्योत जलाने की भावना ये कथा के माध्यम से मंदिर के निर्माण के साथ हम सब में ये भावना भी निर्माण हो, ऐसे भाव के साथ ये पावन आयोजन किया है और हमें पूरा भरोसा है कि कथा समापन के साथ हम ये एक दीप या एक ज्योति प्रकट करेंगे कि हर साल ऐसी कथाओं के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम हिंदू धर्म के ज्योत को कायम रखने का प्रयत्न करेंगे। अब मैं निमंत्रित करती हूँ हमारे अनिल भाई जी जो भगवती शक्ति पीठ के चेयरमैन है, ट्रस्टी है, जो भगवती शक्ति पीठ के बारे में आपसे कुछ बातें करेंगे। श्री अनिल भाई जी रणदेव।